जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को किसी भी कीमत पर नीचा दिखाना चाहते हैं। यह दिखाना चाहते हैं कि उनके नेता इस नेता से बेहतर हैं और इसके लिए कुछ भी उल जलूल तर्क ले भी आते हैं। अब इसी तरह से आजकल RLD के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह, या फिर यूँ कह लीजिए जयंत चौधरी, आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा में वो एक दिन में 2 से 3 जगह पर जा रहे हैं। जब एक दिन में 2 से 3 जगह पर जाएंगे, और अगर गाड़ी से जाएंगे तो दिल्ली से आएंगे गाड़ी में और एक जगह से दूसरी जगह में जाने में दिक्कत होगी, यकीनन वो एक ही जगह पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब गाड़ी से जाते हैं तो समर्थकों का काफ़िला भी बढ़ता रहता है, समर्थकों का काफ़िला बढ़ता रहता है तो ट्रैफिक जाम भी होने लगता है। तो ऐसे में अगर दो रैलियाँ एक दिन में करनी है तो हेलीकॉप्टर ही सहारा है, और वो हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं और हेलीकॉप्टर में वो चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं। लेकिन उनके विरोधी इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके पिता भी हेलीकॉप्टर में आते थे, अब पिता नहीं रहे तो ये भी हेलीकॉप्टर में आने लगे, ये तो हेलीकॉप्टर नेता हैं जो दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर भी हेलीकॉप्टर में आते हैं। हैरानी की बात है, अगर कोई शख्स हेलीकॉप्टर में आ रहा है, कोई नेता हेलीकॉप्टर में आ रहा है, तो इसमें गलत किया? क्या चौधरी अजीत सिंह ने हेलीकॉप्टर में आने की परंपरा शुरू की है? क्या चौधरी चरण सिंह ने हेलीकॉप्टर में आने की परंपरा शुरू की थी, या चौधरी जयंत सिंह ने हेलीकॉप्टर में आने की परंपरा शुरू की है? हकीकत तो ये है कि हर नेता जो दिन में 2 से 3 रैलियां करता है वो हेलीकॉप्टर में ही आता जाता है। जब बिहार के चुनाव हो रहे थे, तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां करी थी, एक दिन में 4-4 रैलियों को संबोधित किया था, वो भी हेलीकॉप्टर में जाते थे। अखिलेश यादव भी हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं। तो जब हर बड़ा नेता हेलीकॉप्टर का सहारा लेता है, तो एक पार्टी के अध्यक्ष अगर एक दिन में 2 जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं, इसमें गलत क्या है? और अगर फिर जयंत चौधरी हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, तो फिर बाकी नेता भी तो हेलीकॉप्टर वाले हुए। लेकिन हैरानी की बात है, अपने नेता को महान दिखाने के लिए, अपने नेता को बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पर सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म चल रहा है। अगर जयंत चौधरी हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो वो हवाई नेता हो गए, वो ज़मीन के नेता नहीं है, वो तो हवा में आते हैं, हवा में चले जाते हैं। अगर दूसरी पार्टी के नेता हेलीकॉप्टर में आएंगे तो वो लोगों के दिल में बसे हुए नेता हो गए, लोगों के दिल में बसते हैं, वो अच्छी बात करते हैं और वो अच्छे नेता हैं, वो ईमानदार नेता हैं। ये बातें समझ के परे हैं। अगर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, जो मुख्यतः रूप से किसान हैं, वो RLD को फंडिंग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या? वो फंडिंग कर दे तो जयंत चौधरी चंदा बटोरने वाले नेता हो गए, और जब दूसरी पार्टियों को हजारों करोड़ की फंडिंग मिले, उस पर सब आंखें मूंद लेते हैं। ये हैरानी की बात है, और ये दिखाता है कि किस तरह से सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म काम करता है। एक पार्टी के समर्थक दूसरी पार्टी के नेता को किसी भी कीमत पर नीचा दिखाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर छोटा दिखाना चाहते हैं, और ये चले जा रहा है ये ट्रेंड रुकने का नाम नहीं लेता। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।